ऊर्जा बंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, एसओजी की बड़ी कार्रवाई, नौ पिस्टल व 73 कारतूस बरामद, ग्राम रोहतास जिले में बांटे पर्चे, बारिश ने फेरा किसानों के अरमान पर पानी, भाजपा की जन जागरण कार्यशाला आयोजित, राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को किया सम्मान, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीवाणा रहा विजेता, राणा पूंजा जयंती 5 अक्टूबर को, बिल समाज करेगा रैली का आयोजन, राजनीतिक का शिकार हुआ मोदान, मानसा व प्रेरणा गांव, नवरात्रि के दूसरे दिन रही गर्भों की धूम, महाराज हुए देवलोक गमन, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु, मुंबई में हुआ राष्ट्रीय युवा महासम्मेलन, पटेल स्लोगन राइटिंग पुरस्कार से सम्मानित, तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला आयोजित। अब समाचार विस्तार से। एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 9 पिस्टल व 73 कारतूस बरामद। बागुड़ा से रिटबलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार थाना क्षेत्र के सेवड़ी गांव में एसओजी की टीम ने रविवार को बागुड़ा जाने वाली रोड से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9 पिस्टल, 11 मैगजीन व 73 कारतूस बरामद किए हैं। एसओजी द्वारा जनवरी 2019 से अब तक अवैध हथियारों तस्करों के विरुद्ध कुल 12 प्रकरण दर्ज कर 34 अभियुक्त को गिरफ्तार कर इनसे 82 पिस्टल, 8 देसी कट्टे व 1 रिवॉल्वर सहित कुल 91 हथियार व 335 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसटीएस एवं एसओजी अनिल पालीवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश से हथियारों की तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर एसओजी की एक टीम को सिरे भेजा गया। टीम ने रविवार शाम को सेवड़ी से बागुड़ा जाने वाली रोड से हथियार तस्कर बागुड़ा थाना क्षेत्र के सेवड़ी निवासी भगवाना राम पुत्र मंगलाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना एसओजी पर प्रकरण दर्ज किया व अनुसंधान जारी है। पालीवाल ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त ने उक्त हथियार मध्य प्रदेश से लाना बताया। गिरफ्तारी आरोप से गिरोह के अन्य सदस्यों व सप्लाई किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में भी एसओजी द्वारा जालोर क्षेत्र से 10 पिस्टल व 45 कारतूस बरामद कर 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। ग्रामोत्थान शिविर में बांटे पट्टे, रायथल से प्रेम सिंह सोपाव की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को ग्राम पंचायत रायथल मुख्यालय पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर का आयोजन पीराराम सरपंच की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में नेमाराम जी पीईओ पंचायत समिति आहोर द्वारा पट्टे के महत्व बताए एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में ग्राम विकास अधिकारी हमीर खान, कनिष्ठ सहायक श्रवण कुमार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। शिविर में 41 आबादी भूमि के पुश्तैनी पट्टे वितरण किए गए। बारिश ने फेरा किसानों के अरमानों पर पानी, राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे समेत क्षेत्र के गांवों में पिछले 4 दिन से हो रही तेज बारिश, 2 दिन से बूंदा बूंदी बारिश के पश्चात खेतों में रखी बाजरे व मूंग की फसल में पानी भर गया, जिसके चलते अब अंकुरित हो रही है। कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में बाजरे की फसल पकने पर भरपूर पैदावार की उम्मीद देखकर खुश हो रहे किसानों के अरमानों पर बारिश ने पानी फेर दिया है। बारिश के पश्चात कस्बे सहित मुर्तरा सिली, सोमता, जोड़वाड़ा, सिखवाड़ा, तातोल, बुंगाव, आजबर, कलोर, बरूड़ी, तवाव, मूंगथला, देलवाड़ा, मांडोली, पुनक, जा, रतपुरा, चांदना समेत कई गांवों में फसलों के में काफी नुकसान पाया गया। भाजपा की जन जागरण कार्यशाला आयोजित, जालोर से उजी सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा जिला कार्यालय में जन जागरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। सोमवार दोपहर 2 बजे अनुच्छेद 370 व आर्टिकल 35A के हट जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में जन जागरण अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत ने की। वही विशिष्ट अतिथि के नाते जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, रानीगढ़ा विधायक नारायण सिंह देवल, विस्तारक प्रभारी जोधपुर संभाग श्रवण सिंह राव, पूर्व जिला अध्यक्ष बबूता राम सोलंकी उपस्थित थे। वही मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायक वाली केंद्र शासित क्षेत्र होगा। कार्यक्रम में बैरो सिंह गुज्जर, कोटा राम सोलंकी, छगन रामावत, ललित महावत, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा मीठालाल वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे। राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का किया सम्मान। जालौर से उजी सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 23 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाली 17वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को वीएस महावीर विद्यालय प्रबंधन ने सम्मान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमंत सियोरान ने बताया कि शारीरिक शिक्षक कन्हैयालाल मिश्रा के परीक्षण में विद्यालय की मोनिका सैन ने प्रतियोगिता की 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर दौड़ जीतकर जिले की बेस्ट एथलेटिक्स बनने का गौरव प्राप्त किया। वही पूजा परमार ने 1000 मीटर दौड़ में प्रथम, 200 मीटर दौड़ में द्वितीय व संजू गहलोत ने 400 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान हासिल किया। तीनों खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन होने पर विद्यालय के ट्रस्टी रमेश राज बोरा, पुष्प राज बोरा, रमेश जैन, आशीष बोरा, सीईओ जय नारायण वैष्णव, कल्याण परमार सहित विद्यालय के स्टाफ ने खुशी जाहिर की। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीवाणा टीम रहा विजेता। पोषण सियावट से सत्तर खान की रिपोर्ट के अनुसार दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन निकटवर्ती पुनराव गांव के प्राथमिक विद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता में कुल 25 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच रविवार को जीवाणा ए एवं जीवाणा बी टीम के बीच खेला गया है, जिसमें जीवाणा ए टीम ने बाजी मारी। प्रतियोगिता समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के मुख्य आतिथ्य तथा दर्पण सिंह थलवाड़ के अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि के नाते लाल सिंह कोमता उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलो चलो सोनाना खेतला जी रे गांव, खेतला जी दुकड़ा में के लिए सब पक्का रहा। श्री सोनाना खेतला जी भक्त परिवार बेंगलोर एवं श्री सोनाना खेतला जी के परम भक्त शिरोमणि रमेश कुमार जी लक्ष्मी चंद्र भंडारी हाल बेंगलोर वाले के शुभ निश्रा में श्री सोनाना खेतला जी तीर्थ धाम सानग्रावास में नवरात्र के पावन पर्व पर विशाल भजन संध्या का आयोजन दिनांक 29 सितंबर से 7 अक्टूबर 2019 तक। भजन संध्या में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन कलाकार रमेश मालिकवाली, सरिता खरवाल बसपत्रा, अशोक रोहिणी जेतारण, दुर्गेश मारवाड़ी, ज्योति शर्मा के साथ कई सुप्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। निवेदक श्री सोनाना खेतला जी भक्त परिवार बेंगलोर। साथ ही कार्यक्रम व्यवस्था में जयपाल सोनीग्राम, संपत राम पाटी, धर्माराम सेवी, दिनेश जैन, भगवाना राम देवासी, उगणमल सागर निवास, कालाराम मेघवाल आदि भक्त मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राणा पूंजा जयंती 5 अक्टूबर को भील समाज करेगा रैली का आयोजन। बाबूड़ा से हिम्मतदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय पर शनिवार को भील समाज द्वारा बाबूड़ा में ब्लॉक स्तरीय रैली निकालकर राणा पूंजा की जयंती मनाई जाएगी, जिसको शांतिपूर्ण मनाने के लिए समाज के लोगों ने एसडीएम के नाम रीडर संजय बोरा को प्रशासनिक सहयोग के लिए पत्र प्रस्तुत किया है। भील समाज के राणा ने एसडीएम के नाम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि 5 अक्टूबर शनिवार को ब्लॉक स्तर बाबूड़ा से सामुदायिक भील समाज धर्मशाला में राणा पूंजा की जयंती उत्साह व उमंग के साथ मनाई जाएगी। जयंती को कस्बे में विभिन्न मार्गों से होकर रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रशासन का सहयोग जरूरी है और रैली के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करने के आदेश मांगे हैं। इस दौरान श्रवण कुमार, नरपत, वीर माराम समेत कई भील समाज के युवा व बुजुर्ग उपस्थित थे। राजनीतिक का शिकार हुआ मोद्रां, धानसा व शेरना गांव। मोद्रां से जगमाल सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में एक नहीं कई गांवों का प्रशासन की पड़ोसी जन दुविधा को झेलने को लंबे अरसे से मजबूर कर दिया है। राजनेताओं तक जन समस्या के निवारण हेतु एक लंबे अरसे से जिहर करते रहे हैं, लेकिन विडंबनाएं यह है कि समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। मोद्रां गांव की समिति तो पहले से ही काफी दूर पर थी, लेकिन नया परिसर के तहत 80 किलोमीटर दूर जसनपुरा तहसील में जोड़कर जनता को और भारी समस्या झेलने में मजबूर कर दिया था। वही कम दूरी एवं कम खर्च होने पर भी भीनमाल तहसील में नहीं जोड़ा जाना जनता के हित में नहीं है।
राजनीतिक लाभों हेतु नए कानून मन बदल सकते हैं तो जन समस्या को दूर कर उन्हें राहत पहुंचाने को कानून बनाना बदलना भी पड़ता है। नवरात्रि के दूसरे दिन रही गर्भों की धूम। ग्राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में सोमवार रात्रि आपेश्वर नव युवक मंडल की ओर से आयोजित गरबा महोत्सव के दूसरे दिन भी धूम रही। अंबाजी प्रांगण में कलाकारों द्वारा देवी देवताओं की वेशभूषा में गरबा नृत्य किया गया। वही गायक कलाकार संगीता वहन प्रजापति व रवि पटनी पालमपुर गुजरात पार्टी द्वारा समुदूर गुजराती गरबों की प्रस्तुति दी गई। गरबों के अलावा कलाकारों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक नाटक के हास्य कलाकारों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कस्बे के सदर बाजार, अंबिकावास, वीआईपी डांडियारास, आशापुरी कॉलोनी, तारोकावास, माँ काली मंडल सिकवाड़ा, अंबिका गरबा मंडल कोटकास्ता सहित जगह जगह पर डांडियारास का आयोजन किया जा रहा है। महाराज हुए देवलोक गमन, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। जालौर से उजी सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय पर स्थित वागेश्वर महादेव मठ के मंत्र ब्रह्मेश गिरी महाराज का सोमवार को देवलोक गमन होने की खबर से अंतिम दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। महाराज रमेश गिरी मूल उत्तर प्रदेश के बनारस काशी के रहने वाले हैं, जिनके गुरु बलदेव गिरी महाराज थे। रमेश गिरी महाराज की उम्र लगभग 82 वर्ष थी, जो पिछले 25-30 वर्ष से जालौर बागेश्वर महादेव मंदिर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोपहर के बाद रमेश गिरी महाराज की अंतिम यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाल कर महाराज को बागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में समाधि दी गई। इस दौरान भैरवनाथ अखाड़े से ईश्वरनाथ महाराज, हनुमान जी मंदिर के पवनपुरी महाराज, सुंदर गिरी महाराज, संजय गिरी महाराज सहित साधु संत सहित मक्सा मेवाड़ा, छताराम काची, शंभू मराठा, मंगलाराम साकला, सुरेश सोलंकी सहित भक्तगण मौजूद रहे। मुंबई में हुआ राजपूत युवा महासम्मेलन संपन्न। मोदा से जगमा सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के काशी मीरा खेतेश्वर आश्रम में राजपूत समृद्धि परिषद द्वारा आयोजित राजपूत युवा महासम्मेलन ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। पूरे भारतवर्ष से राजपूत समाज से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, मीडिया क्षेत्र, खेलकूद क्षेत्र से जुड़े हुए समाज बंधु ने सम्मेलन में उद्बोधन देकर युवाओं को अपने अपने क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। अवर विधायक जगन सिंह, पूर्व विधायक शंकर सिंह, बीजेपी नेता जोगेंद्र सिलोर हेमंत, कांग्रेस नेता महावीर सिंह शुक्रलाई सहित कई अतिथियों ने अपने विचार रखे। समारोह में समाज के गणमान्य नागरिकों को समाज गौरव से भी सम्मानित किया गया। पटेल स्लोगन राइटिंग पुरस्कार से सम्मानित। जसनपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय जसनपुरा जालौर के कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के छात्र कृष्ण कुमार पटेल का चयन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और पीस फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित ई रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर स्लोगन राइटिंग में पुरस्कार हेतु चयनित किया गया था। इसके लिए सोमवार को यूएनएस्को हॉल चाणक्यपुरी में आयोजित सम्मान समारोह में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एरिक फॉल डायरेक्टर और यूएनएस्को प्रतिनिधि भूटान, श्रीलंका और मालदीव द्वारा कृष्ण कुमार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साइबर सिक्योरिटी पर कला शिक्षक ताराचंद शर्मा के निर्देश में नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक मुखाभिनय प्रस्तुति दी गई, जिसकी सभी ने सराहना की। तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला आयोजित। जसनपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के निकटवर्ती डोरडा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खंड के जितेंद्र सिंह द्वारा तंबाकू व टीबी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही खंड के आशा फैसिलिटेटर द्वारा जीवन में नशे के दुष्परिणामों के बारे में समझाया गया। गांव की एएनएम भवरी नायक द्वारा लार्वा प्रदर्शित कर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सहित अभिभावक व विद्यार्थी मौजूद थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन सभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जागरण।